तेरी मेरी कहानी के बाद अब रानू मंडल का दूसरा गाना भी रिलीज हो चुका है। रानू मंडल की झोली जैसे तेरी मेरी कहानी ने भर दी, वैसे ही अब ये दूसरा गाना आया है और ये उनकी सफलता की दूसरी कील साबित होगी। जी हाँ, रानू मंडल की फर्स्ट सैलरी तो आप सभी जान ही चुके थे कि हिमेश रेशमिया ने कैसे उन्हें बहुत सारे लाख रुपए दिए। जो कभी एक रुपए की मोहताज थी, उन्हें बहुत सारे पैसे मिले, वैसे ही अब दूसरा गाना आ चुका है। बॉलीवुड की मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर हिमेश रेशमिया की अपकमिंग एल्बम हैप्पी होडी एंड हीर का गाना तेरी मेरी कहानी। गाने के बाद रानू मंडल का एक दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक फिर स्वर कोकिला लता मंगेशकर का फेमस गाना डफली वाले डफली बजा गाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि डफली वाले डफली बजा फिल्म सरगम का गाना है जो साल 1979 में लिखी हुई थी। ये गाना ऋषि कपूर और जयप्रदा पर फिल्माया गया था। इस सुपरहिट गाने को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया था। अब रानू मंडल ने एक बार फिर अपनी सुरीली आवाज में इस गाने से नई जान डाल दी है। रानू मंडल की जो वीडियो सामने आई है उसमें वो किसी स्टूडियो में बैठी हुई नजर आ रही है। रानू के इस वीडियो को वोडोलैंड कल्चर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पेज से शेयर किया गया है। रानू के इस वीडियो को फैन काफी पसंद कर रहे हैं। तेरी मेरी कहानी गाने के लिए हिमेश रेशमिया ने रानू को जो पैसे दिए थे उससे भी कुछ ज्यादा पैसे ही इस एल्बम के लिए मिल रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में रानू मंडल एक रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर में मेहमान बनी थी जहां उन्होंने सबके सामने अपना दर्द बयां किया था। इस दौरान शो के होस्ट जय भानुशाली जो थी उन्होंने उनसे पूछा कि आप रेलवे स्टेशन पर क्यों गा रही थी। इसके जवाब में रानू कहती है, मैं रेलवे स्टेशन में इसलिए गा रही थी क्योंकि मेरे पास रहने को घर नहीं था। मैं गाना गाकर पेट भरती थी। गाना गाने के बाद किसी ने बिस्किट दिया था, किसी ने कुछ खाना दिया था, किसी ने मुझे रुपया दिया था। आपको बता दें कि फेम मिलने से पहले रानू की जिंदगी काफी परिश्रम भरी थी। हम आपको बता दें कि रानू मंडल स्टेशन पर भीख मांग कर किसी भी तरीके से अपना पेट पाल रही थी। उन्होंने अब जिंदगी से उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो हर रोज जो भीख मांगने के लिए गाना गा रही हैं वही गाना उनके जीवन में सबसे बड़ी चाबी बनकर सामने आएगी। और वो गाना यतीन्द्र ने सोशल मीडिया पर वायरल किया और उसके बाद ये गाना चारों तरफ वायरल होने के बाद हिमेश रेशमिया को पसंद आ गया। उनकी आवाज़ पसंद आने के बाद हिमेश ने अपने एक फिल्म के गाने में उन्हें जगह दी। उसके बाद क्या था, रानू मंडल अब चल पड़ी हैं, अब थमने का नाम नहीं ले रही। हर बार रानू मंडल के साथ ही बुरा क्यों हो, इस बार किस्मत ने जो ताला खोला है उसकी चाप ही अतिंद्र भले हो, लेकिन सफलता तो मिल रही है रानू मंडल को। आज रानू मंडल किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज रानू मंडल को हर कोई बुला रहा है, हर कोई चाहता है कि वो इस फिल्म में गाना गाएं। और इसके अलावा आपको बता दें कि सलमान खान भी अपने फिल्मों में गाना देने की बात कह रहे हैं। सुपरस्टार अक्षय कुमार भी अपनी फिल्मों में उन्हें गाने के लिए जगह देने की बात कह रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर हमेशा के लिए चाहते हैं कि रानू मंडल की आवाज़ गूंजती रहे, तो हमारी भी दुआ है यूं ही गूंजती रहे रानू मंडल की आवाज़ और सुरों की खूबसूरती बिखेरती रहे। नेक्स्ट लाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।